दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के एक्टिव होने को लेकर के इंतजार खत्म हो चुका है। वह समय आ चुका है जब इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर एक्टिव कर रहा है। जी हाँ, इस वक्त बहुत बड़ी खबर अपडेट निकलकर सामने आ रही है। चंद्रयान 3 की लैंडर और रोवर को लेकर लाइव तस्वीरें सामने आ रही है। दोस्तों, जो लाइव तस्वीरें हैं और वीडियो सामने आया है, उसे हम आपको अपने इसी चैनल पर इसी वीडियो में अभी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी और दिल से सबकी मदद करना जानते हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी मदद जरूर कर दीजिए। और हाँ, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए और इसरो की कड़ी मेहनत के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिख दीजिए। इससे हम सभी और इसरो के वैज्ञानिकों का साहस बढ़ता है। तो दोस्तों, अपने इस प्यारे देश भारत के लिए कमेंट में जय हिंद जय इसरो तो जरूर बनता है। दोस्तों, चांद की सतह पर इसरो के द्वारा कमांड भेजी जा चुकी है और चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को एक्टिव किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो फुटेज सामने आई है, इसमें साफ तौर पर रोवर की एक्टिविटी को भी रिकॉर्ड किया गया है। रोवर में हो रही हलचल और उसमें हो रही मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है। एक के बाद एक इसमें लगे लगभग 32 सेंसर्स को ऑन कर रहा है और इसमें से कई सेंसर्स अब तक सफलतापूर्वक ऑन कर दिए गए हैं। जब 32 के 32 सेंसर्स पूरी तरह सफलतापूर्वक ऑन कर दिए जाएंगे, उसके साथ ही रोवर और लैंडर को एक्टिव करार दे दिया जाएगा। और इसके साथ ही इसरो का यह सबसे अहम सबसे महत्वपूर्ण मिशन भी पूरा हो जाएगा। इसकी लाइव तस्वीरें लाइव फुटेज सामने आ चुकी हैं। लाइव तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जिनकी लाइव फुटेज कवरेज आपके दिखाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, कैसे और कब कौन से कदम उठाए जाएंगे, किस तरह से किस दिशा में जब लैंडर जाएगा तो किस सेंसर को एक्टिव किया जाएगा। और आपको बता दें कि किस तरह से लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को आपस में पहले संपर्क स्थापित किया गया और इसके बाद लैंडर की मदद से रोवर को यह कमांड भेजी गई, जिसके बाद रोवर के बाद एक सभी जो इसमें लगे सेंसर है, जो AI आधारित ह्यूमैनिटी रोबोटिक ब्रेन है, उसकी मदद से उन्हें एक्टिव किया जा रहा है। और उसकी सबसे अहम पहचान, इसमें जलने वाली लाल लाइट के बजाय इसमें हरी लाइट जलना शुरू हो चुकी है, जो सबसे अहम सिग्नल था जिसका इंतजार इसरो लंबे समय से कर रहा था। और अब ऐसा करने वाला इसरो दुनिया का एकमात्र देश बन चुका है, जो कि चांद की सतह पर 14 दिनों तक स्लीप बोर्ड में रखने के बाद अपने लैंडर और रोवर को फिर से कैंप के डार्क साइड मून पर फिर से एक्टिव कर रहा है, वो भी -243 डिग्री का टेम्परेचर सहन करने के बाद। एक बार फिर से चांद पर उठ खड़े होने की हिम्मत जो इसरो ने दिखाई है, वह पूरी दुनिया में काबिले तारीफ है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें आज सुबह से ही इस पर टिकी हुई है। लगातार दुनिया इस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। तमाम देश जो यह भारत के हितैषी नहीं है, वह यह कह रहे थे कि भारत का मिशन जो है वह फेल हो चुका है। और तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी, जिस तरह से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने यह बात कही थी। लेकिन अब जब यह लाइव फुटेज सामने आ रहे हैं, तो इसे देखने के बाद पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने अपना लोहा अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूरी दुनिया में मनवा लिया है। क्या है पूरी तस्वीरें, क्या पूरी फुटेज इस वक्त सामने आ रही है। एक के बाद एक जो तस्वीर है, एक लंबा वीडियो सामने आया है, इसरो की तरफ से जारी किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह वीडियो किस तरह से मिला है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अमेरिका को भी, मतलब अमेरिका के जो स्पेस एजेंसी नासा है, वहां के वैज्ञानिकों को यह यकीन नहीं हुआ कि भारत की तरफ से कोई भी चंद्रयान या फिर कोई भी लैंडर रोवर चंद्रमा की सतह पर अभी तक भारत की तरफ से भेजा ही नहीं गया है। यह सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि हमारे देश भारत का नाम ऐसे ही फैल जाए और हमारे देश की जय जयकार होने लगी।
ऐसा इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कभी अपना देश भारत भी चंद्रमा पर उस साउथ पोल पर जहां आज तक की पूरी दुनिया के कोई भी साइंटिस्ट आज तक सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं, वहां पर अपना देश भी कभी सफलता हासिल कर सकता है। यह सब भारत झूठ बोल रहा है और सबको बहक रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे देश भारत ने यह कर दिखाया है, वास्तव में इसमें कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा है। यह सच्चाई है कि हमारा देश भारत चंद्रमा के उसे साउथ पोल में दक्षिणी ध्रुव में अपना लैंडर विक्रम चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड कर करके सभी को चौंका दिया। तो इस खबर की जांच के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने अपने यह को उसे दक्षिणी ध्रुव की तरफ भेजो और वहां से कुछ फुटेज और वीडियो लेने की कोशिश की, ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में इंडिया ने कोई यह या फिर कुछ ऐसा भेजा है जो कि चंद्रमा की सतह में साउथ पोल में उतरा हुआ है और वहां की जानकारी भेज रहा है। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा भेजा गया वह यह चंद्रमा के साउथ पोल की तरफ गया तो वास्तव में उसे ऐसा नजारा देखने को मिला जो कि देखने के बाद नासा के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए और उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि वास्तव में हमारा देश भारत किसी से काम नहीं है और वह कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ पोल पर इंडिया के चंद्रयान ने लैंड भी किया और अब इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है कि 14 दिन की रात कड़कती ठंड की गहरी अंधेरी रात में अपने आप को जीवित रखा और एक बार फिर से सभी को यह भरोसा हुआ कि हो सकता है 14 दिन की रात होने के बाद भी जब फिर से सवेरा होगा तो अपना चंद्रयान 3 उठकर खड़ा हो जाएगा। तो यही आशा जताते हुए जब चंद्रमा पर दिन हुआ और इसरो ने जो तारीख निर्धारित की थी उसे दिन अपना चंद्रयान 3 नहीं उठ सका, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ी थी जिसकी वजह से अपने चंद्रयान 3 के कुछ यंत्र भी खराब हो चुके थे और कुछ यंत्र पूरी तरह से तो खराब नहीं हुए थे लेकिन कुछ डैमेज हो चुके थे, क्योंकि वहां पर हद से ज्यादा ठंड पड़ी हुई थी, क्योंकि अपना तापमान जो है वह भी माइनस डिग्री में था और वह भी 328 डिग्री के आसपास था। शायद मतलब इतनी कड़कती ठंड में भी अपना चंद्रयान 3 सीना ताने खड़ा रहा। सवेरा होते ही ईश्वर की तरफ से तमाम कमांडर भेजी गई और अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया था, लेकिन अब इसरो की तरफ से आज जब कमान भेजी गई तो वहां का एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया जिसे अपना पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी और जिसकी सभी को बहुत बड़ी आशा थी। इस खबर को सुनने के लिए सभी बेचैन थे। दोस्तों, इसरो की बड़ी कामयाबी चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के चांद की सतह पर एक बार फिर से उठ खड़ा होने जा रहा है, यहां तक कि इसमें मूवमेंट भी शुरू होने जा रही है। पूरा देश एक लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था, लगभग 14 दिनों से जब से चांद की सतह पर रात शुरू हुई थी उसके बाद से ही रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था और तरह तरह की बातें सामने आ रही थी जिसके बाद यह माना जा रहा था कि आगे बहुत मुश्किल होने वाली है इसरो को। लेकिन इसरो ने एक के बाद एक सभी मुश्किल घड़ियों को पार करते हुए यहां तक का कारनामा कर दिखाया है। आज सुबह ही इसको लेकर खबर सामने आ रही थी। लगभग बीते 24 घंटे से इसरो के वैज्ञानिक की एक बड़ी टीम लगातार इस पर काम कर रही थी, चाहे रोवर की एक एक जो सेंसर है उनकी जांच करना हो, चाहे वहां पर टेम्परेचर की मौजूदगी को लेकर हो, हर एक चीज की जानकारी अच्छी तरह से जुटाई जा रही थी कि चांद पर टेम्परेचर उस स्थिति तक पहुंच चुका है या नहीं जब चांद की सतह पर रोवर को एक्टिव करने के लिए हमें एक परमिशन मिल जाएगी, और इसके साथ ही साथ लैंडर को किस तरह से सबसे पहले हमें रेडियो सिग्नल भेजना है और इन रेडियो सिग्नल को भेजने के बाद लैंडर को प्रोसेसिस करते हुए रोवर तक पहुँचाएगा। रोवर में लगाए आई आधारित ह्यूमनॉइड रोबोटिक ब्रेन इसको रीड करने के साथ ही चांद की सतह पर अपनी मौजूदगी को इसरो तक पहुंचाएगा और इसके साथ ही अपनी बॉडी पार्ट्स को जो उसमें लगे पार्ट्स हैं, लगभग 32 से ज्यादा लगे हुए सेंसर हैं, उन सभी सेंसर को एक के बाद एक एक्टिव करना है। बता दें कि इसके लगभग 17 लगे सेंसर को अब तक सफलतापूर्वक एक्टिव कर दिया गया है। चलिए आप लोगों वीडियो दिखा देते हैं जो वीडियो इसरो की तरफ से सामने आ रहा है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है वह वीडियो जो इसरो की तरफ से जारी किया गया है।
जिसमें आप स्पष्ट रूप से चांद की सतह पर रोवर को देख पा रहे हैं। बता दें कि यहां से लगभग मीटर की दूरी पर लैंडर भी मौजूद है, जो कि इसके पीछे वाली दिशा में है, जिसकी वजह से उसकी फुटेज सामने नहीं आई। लेकिन आपको बता दें कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर ध्यान से आप देखिए तो रोवर में मूवमेंट कैप्चर की गई है। इसमें लगी जो लेजर बीम है, जो ऑप्टिकल रडार है, वो एक्टिव हो रहे हैं। इनके एक्टिव होने के साथ ही इसरो के बीच एक खुशी की लहर दौड़ रही है। पूरे देश में इसको लेकर लोगों द्वारा लगातार इंतजार किया जा रहा था, लेकिन इस फुटेज के सामने आने के बाद से अब इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी यह काम भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। इसरो ने कहा है कि यह काम लगातार बारीकी के साथ करना होता है, क्योंकि इसमें लगे सभी सेंसर्स को एक के बाद एक ऑन करना होता है। इसका भी बकायदा एक क्रम होता है। इस क्रम के आधार पर कि हम इन सेंसर्स को एक के बाद एक एक्टिव कर सकते हैं, और वही प्रोसीजर अभी चल रहा है। आप स्क्रीन पर देखिए अभी किस तरह से रो और एक्टिव हो रहा है, और यह फुटेज की फुटेज है। इसरो की तरफ से जारी करने के बाद यह बात सामने आ चुकी है कि चांद की सतह पर रोवर मौजूद है, पूरी तरह से सुरक्षित है। और इससे ये सिग्नल मिलने के बाद यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि लैंडर से भी उसका संपर्क लगातार बना हुआ है। इसकी वजह आपको बता दें कि सबसे पहले जो इसरो की तरफ से रेडियो सिग्नल भेजे जाते हैं, वो डायरेक्टरों हर कोना भेजकर पहले को भेजे जाते हैं, क्योंकि लैंडर में ही वो सारा सिस्टम लगा है जो किसी रेडियो सिग्नल को रिसीव कर सकता है डायरेक्ट। और वो रेडियो सिग्नल कितना भी स्ट्रांग हो, उसे रीड करने के साथ ही वह अपने आसपास मौजूद रोवर को या सीखना ट्रांसफर करता है, और रोवर में लगाए आई आधारित ह्यूमेनाइड रोबोटिक ब्रेन इस सिग्नल को रीड करने के बाद उसे क्या प्रतिक्रिया देनी होती है, वो इस बात की जानकारी जुटाता है। और ऐसा ही इस वक्त हो रहा है। ये सारे सिग्नल बाईपास हो रहे हैं लैंडर के माध्यम से, और इसरो इनको लगातार इस धरती से भेज रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम इस काम में लगी हुई है, और साथ ही साथ इस खबर के आने के साथ ही, इस वीडियो के सामने आने के साथ ही, अमेरिका सहित दुनिया भर के तमाम देशों की तरफ से इसरो के अब तक के सबसे बड़े और अहम मिशन को लेकर कामयाबी के लिए लगातार धन्यवाद आ रहे हैं, लगातार बधाइयां मिल रही है इसरो की टीम को, क्योंकि इसरो और दुनिया का एकमात्र ऐसा रोवर बन चुका है जो कि चांद की सतह पर 14 दिनों तक स्लीप मोड में रहने के बाद एक बार फिर से चांद की सतह पर एक्टिव होने की कैपेसिटी रखा हुआ है, और ऐसा करने वाला इसरो एकमात्र देश बन चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। जैसे ही हमें इससे जुड़ी आगे की जानकारी मिलती रहेगी, हम आप तक उस जानकारी को पहुंचाते रहेंगे। तो इसलिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसरो के वैज्ञानिकों के लिए जय हिंद जय भारत अंत में भी जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, आपसे विदा लेते हुए जय हिंद जय इसरो जय भारत वंदे।